हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उसके साथ मेन सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 3 4 दिन से काफ़ी इनरेगुलर रहा था हमारा काम, तो चलिए अब डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली जेनेटिक्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, मतलब जो अनुवांशिक के अध्ययन, जो भेदभाव का जो हमने डिस्कस किया था सैटरडे को आर्टिकल, उसी के ऊपर आज का क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है। डेट यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा गलत हो गई है, तो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसके बाद में आपको बताना है कि इंडिया में क्यों भी एक कानून बनाने की जरूरत है। मतलब क्योंकि देखो, हमने उस आर्टिकल में डिस्कस किया था सारे पॉइंट्स की भाई इंडिया में, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरीके से क्लेम को रिजेक्ट किया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, जो हाई दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नहीं भाई आपको पेमेंट है वो वापस देना होगा, मतलब जो भी कस्टमर का पैसा है वो आपको रिटर्न करना होगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो इसमें मैंने आपको 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपके पास 1 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो उन पॉइंट को भी यहाँ पे आप इंक्लूड है वो कर सकते हो। वैसे देखो, आज के आर्टिकल में कुछ इतने खास आर्टिकल्स हम आए नहीं है, मतलब इतने अच्छे एडिटोरियल्स आए नहीं है, केवल दो ही एडिटोरियल अच्छे। एक एडिटोरियल है वो हमने ऑलरेडी 1 मार्च जो डिस्कशन की थी उसी का सेम एडिटोरियल है, वो डेक टू डेक कॉपी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो है लैंड एक्विजिशन का, मतलब भूमि अधिग्रहण का एक आर्टिकल है। उसके बाद में 2 आर्टिकल और हैं छोटे छोटे, उनको हम एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो भूमि अधिग्रहण का जो आर्टिकल था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सेम आर्टिकल है जो हमने 1 मार्च को डिस्कस किया था, एक्चुअली 2nd आर्टिकल था हमारा। उसमें मेनली ये बताया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है वो बनाना चाह रही है। अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो गवर्नमेंट बता रही है कि भाई देखो इसमें काफ़ी सारी खामी है। इसमें सबसे बड़ी खामी तो देखो ये डिस्कस की थी हम लोगों ने कि एक तो इसमें ये प्रावधान नहीं है क्लियर कि भाई जो मुआवजा मिलता है जिस भी किसान ने, जिस भी फार्मर की अगर जमीन अधिग्रहित की जा रही है उसको मुआवजा कितना क्या मिलेगा। और कई बार तो है ना गवर्नमेंट की दया पर निर्भर करता है कि भाई गवर्नमेंट उसको मुआवजा दे या ना भी दे, अगर ना दे तो भी कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब काफ़ी गवर्नमेंट की उसमें मनमानी थी, इसीलिए लोग है वो भूमि अधिग्रहण काफ़ी विरोध वगैरह होता था, फैक्ट्री वगैरह अगर कहीं भी लगती थी तो मुआवजे की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट अभी नया एक्ट लेने की बात की है जो कि था लार नाम से, LARR, वो था लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसमें मेनली देखो ये चीज़ें फोकस की गई थी भाई कि अगर भूमि अधिग्रहित की जा रही है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो जिस भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वो भूमि अगर अधिग्रहित हो रही है तो उससे क्या क्या इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को फोकस करते हुए भूमि अधिग्रहित वो की जाएगी। अगर इन्वायरमेंट को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भूमि अधिग्रहण वो कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट था उसमें। इसके साथ ही उसमें यह था कि भाई जिन लोगों को अगर वहाँ से हटाया जा रहा है, मतलब उनकी भूमि गिरी उनकी भूमि अगर गवर्नमेंट यूज़ कर रही है तो उनको गवर्नमेंट की दूसरी जगह पुनर्स्थापित करेगी, उनको पुनर्वास वो प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ उनको जो बेसिक फैसिलिटी जिनकी ज़रूरत होती है एक आम आदमी को, वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, और मुआवजा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए ताकि उनको लॉस वगैरह ना हो। इसी के साथ उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का केस था वो सामने आया था, और फिर अपोजिशन के जजमेंट थे, वो सारे पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में। तो एक बार आप प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना, सेम आर्टिकल है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी चलते हैं हम आज के आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है सबसे पहले वो आया है ट्रेड वॉर, और ये मेनली आर्टिकल यूएसए से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में प्रोटेक्शनिज्म और इसके साथ ट्रेड वॉर को डिस्कस किया गया है। देखो आर्टिकल का स्टार्टिंग का कंटेक्स्ट ही है कि यूएस है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को लगातार अपनाते जा रहा है, लगातार फैला रहा है। अभी रिसेंटली केस ये है कि ट्रंप महाशय ने भी कुछ दिन पहले कहा कि भाई हम जो बाहर से स्टील का इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूएस से जो बाहर से स्टील का इम्पोर्ट कर रहा है ना उसके ऊपर वो टेरिफ बैरियर लगाएगा। तो हम देखेंगे कि टेरिफ बैरियर क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और क्यों ट्रेड वार बढ़ सकता है। देखो सीन ऐसा है, ट्रंप ने कहा कि भाई हम जो बाहर से स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूएस से, उसके ऊपर हम लिमिट लगा दी, एक तरीके से टैरिफ बैरियर लगा देंगे, लिमिट लगा महंगा कर देंगे उसको, ताकि हमारे वहाँ पे इंपोर्ट है वो ना हो सके। अब इस चीज़ का विरोध है वो यूरोपियन यूनियन ने और बाकी सारी कंट्रीज़ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि ट्रंप वो जब से सत्ता में है वो लगातार प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो हम सारा सीन देखते हैं कि प्रोटेक्शन की पॉलिसी से क्या नुकसान होता है, क्या क्या इसके फायदे वगैरह है। वो देखो बात ऐसी है, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे अच्छा इंडिया और चाइना से के नज़रिए से, ताकि ये चीज़ में बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो चाइना का आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बहुत सस्ता प्रोड्यूस होता है, जैसे वहाँ के मेमोरी कार्ड वगैरह बहुत सस्ते 10 10 20 20 रुपए की अप्रोक्सीमेट रेट होती है, तो वो उतनी सस्ती रेट में वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि इंडिया में इतनी सस्ती रेट पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो तो सस्ती रेट पर खरीदेगा ना, तो इंडिया के कस्टमर क्या है कि सस्ती रेट वाले प्रोडक्ट वो खरीदेंगे। अब चाइना का तो माल बहुत सस्ता है, इसलिए लोग क्या है कि चाइना वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, और इंडिया की जो इंडिया की जो फैक्ट्री है जो कि मेमोरी कार्ड वगैरह बनाती है वो खरीद नहीं पाते लोग, क्योंकि वो महंगा होता है। देखो लोग तो कस्टमर तो सबसे ज्यादा इसी चीज को फोकस करेगा ना कि भाई बात ऐसी होनी चाहिए कि चीज़ है वो सस्ती होनी चाहिए, क्वालिटी आप ये मान के चलो कि दोनों की सेम है, क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग सभी कस्टमर सस्ती चीज़ों की तरफ फोकस होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि बार ऐसे माहौल में
सॉरी, ऐसे मामलों क्या होता है कि जैसे इंडिया की जो भी मेमोरी कार्ड बनाने की जो कंपनीज होती है ना, वो बहुत घाटे में चले जाती हैं, क्योंकि उनका तो मेमोरी कार्ड वो 200 रुपये 300 रुपये का बनता है, और वहीं चाइना वाले वो 10 10 रुपये में 20 20 रुपये में इंडिया भेज देते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता है। देखो अब बात ऐसी है कि चाइना में मेमोरी कार्ड सस्ते बनने के बहुत से रीजन्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर टैक्स नहीं लगा रहा हो, दूसरी बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री है वो उसके अनुकूल हो चिप वगैरह बनाने में, मतलब वहाँ पर काफ़ी सस्ता पड़ रहा है उनको रॉ मटेरियल, जबकि इंडिया की जो कंपनी है उसको रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ रहा हो, तो ऑब्वियसली मेमोरी कार्ड तो महंगा होगा तो महंगे लोग खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि जो घरेलू कंपनी होती हैं जैसे इंडिया की, उनको लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, कोई ना कोई तो स्टेप उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि बात ऐसी होती है कि देखो घरेलू कंपनी है तो उसमें वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो अब इंडिया की कोई कंपनी जो मेमोरी कार्ड बना रही है उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी बंद होगी तो वर्कर कहाँ जाएंगे, तो उन वर्कर को भी तो कहीं ना कहीं तो दूसरी का सेट करना होगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है उनके ऊपर बैरियर लगा देती है कि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जा रही है ना उन पर, अब बैरियर तरह तरह के लगा देते हैं, मतलब एक तरीके से बाधा क्रिएट कर दी जाती है ताकि बाहर से इंपोर्ट को रोका जा सके। इसके लिए क्या करती है, इसके लिए गवर्नमेंट तीन तरीके का काम कर सकती है। पहला आता है टेरिफ बैरियर। टेरिफ बैरियर का मतलब है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है वो अभी हम यूएसए का दे लेते हैं, अभी यूएसए और चाइना का मेन इशू था इसमें, जैसे कि स्टील का इशू था, तो स्टील है वो जैसे मान लो कि 100 रुपये किलो स्टील जा रहा था अभी चाइना के द्वारा यूएसए में, अब क्या करेगा यूएसए ने बैरियर लगा दिया कि भाई वो टैक्स बढ़ा देगा, तो मतलब स्टील वहाँ पे 120 130 ऐसे महंगा हो जाएगा, तो वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको लॉस नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा वहाँ की डोमेस्टिक कंपनी और चाइना की कंपनी में किसी कंपटीशन हो जाएगा और चाइना जो यूएसए की कंपनी है वो आगे बढ़ जाएंगी। तो इसलिए एक तो ये काम किया जाता है। दूसरा आता है नॉन टेरिफ बैरियर। देखो नॉन टेरिफ बैरियर में क्या होता है कि डायरेक्टली तो ये लिमिट नहीं लगाई जाती कि भी यहाँ टैक्स बढ़ाते हैं, बट इनडायरेक्टली क्या कि हथकरघे दूसरे अपनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया के आमों का इशू था कि इंडिया के जो आमो हाफूस आम थे जो कि मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में होते हैं, उन आमों को यूरोपियन यूनियन ने बना कर दिया था कि भाई एक तो आप वो अच्छे नहीं आम, उनकी जो ये क्वालिटी है उनके जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसके साथ ही कई बार से इंडिया के कुछ प्रोडक्ट हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बाकी कंट्रीज लिमिट लगा देती हैं कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर है उसके द्वारा बने हुए हैं इसलिए हम इनको इंपोर्ट वगैरह नहीं करें, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी दूसरे तरीके से मना करना होता है कि भाई हम चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तो वो होता है नॉन टेरिफ बैरियर। इसके बाद में एक तीसरा ऑप्शन होता है कोटा की लिमिट, भाई गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि हाँ भाई इस साल हमारी ये लिमिट है कि हम भाई चाइना से जैसे कि 10 किलो स्टील खरीदेंगे तो हमारी लिमिट पूरी होगी इसलिए हम और स्टील नहीं खरीदने वाले, तो डायरेक्टली क्लियर क्लियर लिमिट लगा देना, ये होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट तीन तरीके की पॉलिसी बनाती है ताकि घरेलू जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। ये सारा सीन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो बात ऐसी आती है जो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, इससे काफ़ी सारा लॉस भी होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि जीडीपी का लॉस होता है, क्योंकि देखो जो घरेलू कंपनी होती है ना कई बार उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको कई बार स्किल वगैरह नहीं होती है उनके पास, और कई बार उनके पास टैलेंट नहीं होता, कई बार वो सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ महंगाई है वो बढ़ जाती है तो इकोनॉमी का लॉस भी हो जाता है, महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का नुकसान तो होने वाला है, क्योंकि देखो बाहर से जो चीज़ें आ रही थी वो काफ़ी सस्ती आ रही थी और अगर वहीं वो चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस की जाए तो महंगी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अगर लोग बाहर की सस्ती चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे तो महंगी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ी रही है। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया और चाइना वाले में जो हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में मेमोरी कार्ड है वो 100 रुपये का बन रहा है, जबकि चाइना से जो मेमोरी कार्ड आके इंडिया में बिक रहा है वो 10 रुपये का बिक रहा है, तो लोग अगर 100 रुपये वाला खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ गई ना, वही 10 रुपये वाला तो काफी सस्ता होता, तो इससे काफी नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे जो सीन था वो मेनली स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर था, तो ये तो हमें इतना याद नहीं देखना है, हमें जो मेन मुद्दा था वो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोटेक्शन की सीन है क्या। अब ट्रेड वार किस तरीके से बढ़ सकता है वो देखते हैं। बात ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई अगर आप अगर चीज़ों पे लिमिट लगा रहे हो कि हाँ टेरिफ बैरियर अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया है तो हम भी टैक्स बढ़ाएंगे ताकि यूएस की कोई चीज़ यूरोपियन यूनियन में ना जाए, क्योंकि देखो इससे नुकसान होता है ना कि अगर एक चीज कंट्री की आप चीज़ों को लिमिट लगा दोगे तो दूसरी कंट्री को भी तो उसका भी ट्रेड तो लॉस में हो रहा है ना। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ऐसा स्टेप उठाया कि भाई अगर आप लोग मतलब यूएसए को कहा है कि अगर आप लोग इंपोर्ट के ऊपर लिमिट लगा रहे हो तो हम भी इंपोर्ट के ऊपर लिमिट लगा देंगे, जिससे आपका जो एक्सपोर्ट है यूएसए का वो भी लॉस में हो जाएगा। तो राइटर ये करेंगे देखो बाकी अगर धीरे धीरे अगर सभी कंट्रीज ने इस तरीके के स्टेप उठाना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि आपस में एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सभी कंट्रीज अपनी लिमिट लगा देंगी, तो सीन हो जाएगा 1930 वाला। 1930 के टाइम पे जो रिसेशन या जो मंदी आई थी उसमें भी सेम यही हाल हुआ था कि सभी कंट्रीज ने एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई थी और लिमिट लग गई थी जिससे नुकसान बढ़ा था, और सबसे बड़ी बात थी कि कंज्यूमर को लॉस बढ़ेगा, क्योंकि देखो कंज्यूमर को अगर सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कंज्यूमर चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो ये यहाँ पे बात आती है।
अब देखो बात ऐसी है, फिर एंट्री करें कि ट्रेड बंद करने से लॉस होगा ना कि घटेगा, लॉस बढ़ेगा किस तरीके से वो देखते हैं। देखो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में अगर ट्रेड नहीं होगा तो उसे लॉस किस तरीके होगा वो हम देखते हैं। जैसे इंडिया और चाइना का फिर वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं मेमोरी कार्ड वाला। अगर इंडिया चाइना से मेमोरी कार्ड नहीं खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया है वो सस्ती चीज़ों में से, मतलब सस्ता प्रोडक्ट है वो लोगों को सप्लाई नहीं कर पा रहा कस्टमर को, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ के ट्रेड है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेड अपने आप देखो यहाँ की जो क्वालिटी है वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, इतने महंगे होंगे तो। जैसे यहाँ का 100 रुपये का मेमोरी कार्ड वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, 10 रुपए वाला गवर्नमेंट मंगा नहीं रही है, तो इससे और क्या होगा मार्केट सारा ठप हो जाएगा, ट्रेड वो सारा है जहां का जाए रुक जाएगा। और फिर यहां पर एंट्री करें, देखो बात ऐसी है कि जो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी ट्रंप अपना रहे हैं और ट्रंप का जो एक राग गाना है, ट्रंप देखो जब से सत्ता में है वो तब से एक ही बात कह रहे हैं कि भाई उनको काफी लॉस हो रहा है कि बाकी कंट्रीज उनका फायदा उठा रही है यूएसए का और यूएसए को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ट्रंप है ना बार बार ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड की वजह से यूएसए को नुकसान हो रहा है, बट राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टील और एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है यूएसए की उनको नुकसान हुआ है फ्री ट्रेड से, बट जो यूएसए का मेन सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायदा यूएसए को ही हुआ है। क्योंकि जो गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल वगैरह, ये सारी किसकी हैं, ये सारी यूएसए की हैं, और इन कंपनीज को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है फ्री ट्रेड से, तो इसलिए यूएसए का ऐसा कहना काफ़ी गलत है, ये सारी बात है। फिर लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कंक्लूजन में कि भाई ट्रंप है वो पॉपुलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकल भवनवाद के, जो कि काफ़ी गलत है। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वादे किए थे कि भाई जब मैं सत्ता में आऊंगा तो जो ब्लू कलर वाले लोग हैं, ब्लू कलर की जो जॉब्स होती हैं, उनको मैं काफ़ी सपोर्ट वगैरह करूंगा, तो इसलिए वो अभी अपने वादे पूरे करें, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन का माहौल है ये बढ़ रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये मेनली सऊदी अरब और वुमेन राइट्स को लेके है कि भाई सऊदी अरब में वुमेन्स को राइट्स वगैरह देने का सारा सीन है, उसके हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। देखो तो दो तीन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। राइटर सबसे पहले तारीफ कर रहे हैं कि भाई सऊदी अरब में पहले रूल काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होते, मतलब बहुत टाइट रूल होते थे, तो ऐसे मामले में वहाँ पर वुमेन को आज़ादी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। बट अभी जिस तरीके से सऊदी अरब काफ़ी थोड़ा लिबरल हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। देखो सऊदी अरब ने रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली जैसे हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि सऊदी अरब ने वुमेन को ड्राइविंग अलाउ कर दी, इसके साथ ही उन्हें क्रिकेट जो फुटबॉल वगैरह के स्टेडियम होते हैं वहाँ पे उनको अलाउ कर दिया। पहले वुमेन को वहाँ पे स्टेडियम वगैरह में अलाउ नहीं था मैच वगैरह देखना। इसके साथ ही उनको बुरका वगैरह पहले कंपलसरी होता था कि अगर वो कहीं भी जा रही हैं तो बुरका वगैरह पहनना है, तो अभी वहाँ के जो प्रिंस है उन्होंने अनुमति दे दी है कि जो वुमेन है वहाँ पे वो उनकी खुद की मर्जी है, वो बुरका पहने या ना पहने वो उनका खुद का डिसीजन है। और इसी के साथ बाद में एक राइटर एक दो बात ये कह रहे हैं कि देखो पहले धर्म के नाम पे काफ़ी हरासमेंट होती थी वुमेन की, जो कि अभी कम हुई है, ध्यान रखना अभी कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी कम हुई है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो कुछ स्टेप बहुत अच्छे उठा गए हैं सऊदी अरब के द्वारा, नो डाउट, बट सऊदी अरब में अभी भी बहुत सारे चेंजेस हैं वो लाने होंगे। वहाँ के रूल वो काफ़ी लिबरल नहीं है, वहाँ के रूल बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी अच्छे का मतलब यह है कि वहाँ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, जैसा भी डिमांड है मार्केट की पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि देखो अभी भी वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर वुमेन को कहीं जाना होता है तो उन्हें पहले अपने मेल मतलब फैमिली मेल पर्सन की अनुमति वो लेनी होती है, उसके बाद ही वुमेन कहीं जा सकती है ट्रेवलिंग वगैरह में। इसी के साथ ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वॉयलेशन होता है, अगर कोई आदमी वहाँ पर कुछ वहाँ के धर्म वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर बोलता है तो ऐसी कंडीशन में उसका सर कलम से अलग कर दिया जाता है, तो वो वाला सीन है। इसके साथ ही बात ये आती है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप वाला माहौल बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से केंद्रीकृत सत्ता है वो बढ़ रही है, जिससे वहाँ के प्रिंस हैं उन्होंने बहुत से लोगों को या जो अपोजिशन के पार्टीज़ हैं उनको एक्चुअली जेल में डाल दिया है। तो राष्ट्र में लाइटर ये बात कर रहे हैं कि भाई देखो एक लिबरल रूल है वो लेके आने होंगे सऊदी अरब में, तो इसीलिए उनको ज़्यादा रिफॉर्म और करने की और जरूरत है, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी जो छवि है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये थी कंप्लीट डिस्कशन जो हमने एक बार डिस्कस की है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो क्या था, प्रोटेक्शन की पॉलिसी का आर्टिकल। इससे पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था वो मेनली किया था जो 1 मार्च को आया था, वो आया था भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, तो उसके सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक करके देखे थे। इसके बाद हमने सऊदी अरब वाला जो आर्टिकल है वो डिस्कस किया, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की बात थी। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, आज वैसे कुछ खास पॉइंट थे नहीं, वो जो PDF है वो मैं भी अपलोड कर दूंगा, और जो करंट अफेयर जो रिविजन की PDF थी वो मैं एक्चुअली कल तक पक्का PDF अपलोड कर दूंगा, और आपका जो लिंक है वो आपको फेसबुक पेज और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक है वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप कि कल इवनिंग तक मैं PDF सारी अपलोड कर दूंगा, ताकि वो इश्यू ना रहेगा।